आप जानते ही हैं कि मिल्खा सिंह जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इन्हीं मिल्खा सिंह जी के नाम पर बॉलीवुड ने कितना बड़ा धोखा किया था ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर, मैं आज आपको वो सच बताने जा रहा हूँ। सभी जानते हैं कि मिल्खा सिंह का ताल्लुक मेलबर्न से रहा है, क्योंकि उनकी स्पोर्ट्स जर्नी में मेलबर्न का जिक्र आता है, इसलिए मेलबर्न एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन होना चाहिए उनकी जीवनी पर बन रही फिल्म में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2012 में ऑस्ट्रेलिया में इस बात का ऐलान किया गया था। और जानते हैं ये सब क्या था, असल में ये सब एक धोखा था। हुआ ये कि इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया 2012 में, तब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सरकार के पैसे से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जहां पर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो उसके डायरेक्टर हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रोविंस है उसके प्रीमियर के साथ बैठकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने इस बात का वादा किया कि वो मेलबर्न में 2 से 3 हफ्ते तक भाग मिल्खा भाग की शूटिंग करेंगे, और इतना ही नहीं करीब $1 मिलियन खर्च करेंगे। और कहा यह भी जाता है कि इसी घोषणा के बाद जिस शख्स की वजह से यह घोषणा करवाई गई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाद में उसी को IFFM का टेंडर भी दे दिया गया, यानी पिक्चर ये क्रिएट की गई कि मिल्खा सिंह की जीवन पर जो आधारित फिल्म बन रही है उसकी शूटिंग मेलबर्न होगी। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि असल में भाग मिल्खा भाग की शूटिंग कभी मेलबर्न में हुई ही नहीं। हो सकता है विकिपीडिया में आपको ये जानकारी दिख भी रही हो, लेकिन ये सच नहीं है। असल में मेलबर्न के हिस्से को किसी दूसरे देश में फिल्माया गया। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्खा सिंह जी मौजूद थे ही नहीं, जबकि मिल्खा सिंह जी को अलग अलग देशों में भेजा गया था इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। वो UK भी गए थे, US भी गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उन्हें दूर रखा गया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सरकार से ये झूठ बोला गया। और हद तो तब हो गई जब 2014 में ठीक इसके 2 साल बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी पहुंच गए अपनी इस फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए अवार्ड लेने उसी अवार्ड शो में जिसका नाम IFFM है, और उस दौरान वहां पर अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत भी मौजूद थीं। यानी सबको बनाया जा रहा था। आप एक बड़ा नाम का इस्तेमाल करते हैं, बड़े नाम का, और उससे आप एक फायदा ही उठाते हैं कि आप एक बहुत बड़ी मीडिया मीट करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जानते हैं उसके बाद का सच सुनकर तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। ये जो IFFM होता है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, इसकी वजह से फिल्में विक्टोरिया में शूट हों, मेलबर्न में शूट हों, इसलिए सरकार पैसा खर्च करती है वहां की, और इसलिए इतने सारे लोगों को बुलाया भी जाता है। लेकिन सच बात यह है कि पिछले 9 साल में एक भी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग वहां नहीं हुई है, और इसके लिए भी एक हद तक ऐसा माना जाता है कि भाग मिल्खा भाग के दौरान किया गया झूठा ऐलान जिम्मेदार है, क्योंकि उस वक्त लोगों को बहुत धक्का लगा था जब विदेश की धरती पर जाकर हमारे देश का एक फिल्मकार इतना बड़ा ऐलान करता है कि हम यहां पर एक फिल्म शूट करेंगे और जो मिल्खा सिंह जैसे लेजेंडरी की लाइफ पर आधारित है, और फिर वो झूठ साबित हो। और इस झूठ को कभी स्वीकारा ही नहीं गया, कहीं पर यह नहीं कहा गया कि हमने जो ऐलान किया था, आप देख सकते हैं जो उस वक्त की मीडिया रिलीज है, मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पर लगातार, वहां यह वादा किया गया था, ऐलान किया गया था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उसके बाद उस सच को कभी स्वीकारा ही नहीं गया। और उससे भी बड़ा धोखा तो ये कि आप हर साल IFFM करते तो जरूर हैं, लेकिन पिछले 9 साल में आप एक भी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग मेलबर्न में करा ही नहीं पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों में तो शूटिंग होती रही है, लेकिन मेलबर्न में नहीं होती। और इसकी एक वजह भी है, क्योंकि IFFM कराने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिंक्स बॉलीवुड में सिर्फ एक ही कैंप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप नाम भले ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल रखते हो, लेकिन आप बॉलीवुड से एक खास कैंप को ही बार बार बुलाते हैं, उसी खास कैंप के लोगों को बुलाते हैं जिनका आपसे अच्छा संबंध रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मिल्खा सिंह के नाम पर आपने जो धोखा दिया, आपने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का पैसा खर्च करवाया, वहां पर एक बड़ी मीडिया मीट की,
दुनिया भर में ऐलान किया और फिर बिना बताए गायब हो गए। और जब अवार्ड लेने आप पहुंचते हैं तो उस वक्त भी मिल्खा सिंह आपके साथ नहीं थे, न फरहान अख्तर थे, कोई भी नहीं था। तो इस तरीके की जो पिक्चर क्रिएट की जाती है ना विदेशों में, बॉलीवुड के बड़े नामों के आधार पर हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर आप मुकर जाते हैं, तो आप हमारे देश की छवि पर एक बहुत बड़ा दाग लगा कर आते हैं। ये बताना यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सच है और सच कभी छिपता नहीं। उम्मीद है मेरी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो रही हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से खेल खेला जाता रहा है पिछले काफी लंबे समय से। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि बॉलीवुड न सिर्फ बॉलीवुड के नामों के आधार पर, बल्कि जो बड़ी बड़ी लेजेंडरी फिगर्स के नाम पर जो फिल्में बनाते हैं ये उनके नाम पर भी खिलवाड़ करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, सच को छिपाते हैं। और नाम किसका खराब होता है? हमारे देश का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और मैं चाहूंगा कि सच को जानने के बाद आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, इस वीडियो के नीचे शेयर कीजिए ताकि हम बता सकें कि जब सच सामने आता है तो जनता क्या सोचती है।